हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट द एनसीजी एकेडमी कॉलेज। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है कि हम आप लोगों को एकेडमिक क्लासेस पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पर, तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। पहला जो आप लोगों का लेक्चर होने वाला है, आप लोगों का 8 क्लास का मैथ का लेक्चर होने वाला है, ये आप लोग देख सकते हो। आप ही की बुक्स में जो रहता है उसी को हम एक्सप्लेन और डिफाइन करने वाले हैं। तो आप लोग जैसे यदि आप कहीं कोचिंग जाते हो, कोई परेशानी आप लोग आती है, तो आप हमसे आसानी से डिस्कस इसको कर सकते हो। और दोस्तों, जब भी हम पढ़ाते हैं आप लोगों का एक फिक्स शेड्यूल रहेगा कि इस समय आप लोगों को वीडियो मिलेगी, तो उस समय आप लोग आ जाया कीजिए और बुक्स पेन लेकर के बैठ जाए कीजिए, क्योंकि मैथ से आप लोगों को लगाना तो पड़ेगा ही। हमारे साथ ही साथ जो कुछ भी नोट करना है तो आप लोग नोट भी कर सकते हो। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। तो आज आप लोगों का 8 क्लास का जो है पहला चैप्टर, आप लोगों का नाम आपको पता होना चाहिए, रैशनल नंबर। इसको हम पूरा बताते हैं तो ये होता है परिमेय संख्याएं। बात करते हैं दोस्तों आज परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, मीन्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। यहाँ पर तो कंडीशन रखी जाती है दोस्तों, क्या पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। साथ ही साथ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए दोस्तों? क्योंकि हम किसी भी संख्या में जैसे 5 दिया गया है, इसमें 0 से डिवाइड देते हैं तो कितना आता है दोस्तों? इन्फिनिटी। कितना आता है? इन्फिनिटी। यदि 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है? 0। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यदि हम इसमें 0 आ जाएगा तो कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। देयरफॉर इस टर्म से इसका ध्यान रखा जाता है कि क्यू 0 ना हो जाए। भाई शुरुआत करते हैं, ये आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि रैशनल नंबर होता क्या है। अब इसके बाद हम आप लोगों को शुरुआत करवाते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज के ऊपर लेकर चलते हैं। एक्सरसाइज में आप लोगों को देखना है, आप लोगों को अपना जो है निकाल लेना है, आप लोगों को बुक जरूर निकाल करके रखना है। तो शुरुआत करते हैं। रैशनल नंबर में आप लोगों को बता चुका हूं। अब रैशनल नंबर्स में आप लोगों को अपनी एक्सरसाइज का 1.1 निकाल लेना है। इसमें मुझे एक बात और समझानी पड़ेगी, जैसे कि आप लोगों को समझाना है तो आप लोग एक्सरसाइज से पहले जो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है उसमें आप लोगों को बोर्ड मार्क्स के नियम की हेल्प लेनी होगी। तो मैं आप लोगों को परिचय करवाता हूँ बोर्ड मार्क्स के नियम होता क्या है। बोर्ड मास का नियम आप लोगों से कहता है कि एक ही साथ यदि गुणन, जोड़, भाग ये सब कुछ दिया रहता है तो आप लोगों को किसे पहले यूज करना है, किस प्रकार से यूज करना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बोर्ड मास आप लोगों से कहता है, क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा कहता है क्या? ब्रैकेट, ये छोटा वाला ब्रैकेट दिया गया है, ये सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करवाता है। उसके बाद आप लोगों से कहता है भाग दीजिए, मीन्स डिवाइड करना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। देन आप लोगों को ऐड करना है और उसके बाद आपको सबट्रैक्शन करना है। तो इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बस मुझे आपको पता होना चाहिए क्या क्या बोर्ड मास के लिए में क्या क्या फैसिलिटी या क्या क्या फॉर्मेलिटी रहती है। यही फॉर्मेलिटी रहती है कि पहले किसको करना है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले किसको करना है, इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी। आइए एक्सरसाइज को लेकर चलता हूँ। पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, हर दिन हम आप लोगों को एक एक्सरसाइज कम्प्लीट करवाएंगे। यदि एक्सरसाइज बड़ी है तो 40 से 45 मिनट का लेक्चर आप लोगों के लिए रेगुलर होगा। आप लोगों को रेगुलर टाइम पर क्लास में आ जाना है, कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ना ही हमें होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ आप लोगों के लिए घर बैठे ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। ओके, इसको लिख के देता हूं। उसके बाद और शुरुआत करते हैं अपना, क्या क्या पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, आप लोग अपनी बुक को निकाल कर रखिएगा, ये आप लोगों की बुक है, आप देख सकते हो क्या कहता है आप लोगों का पहला एक्सरसाइज। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज है। अब इससे हम पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया क्वेश्चन कहता है आप लोगों से -2/3 और आप लोगों का 3/5 प्लस करना है 5/2 और -3/5 एंड आप लोगों का मल्टीप्लाई होगा 1/6 का। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। आप लोगों से कहता क्या है इसको, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, मीन्स आप लोगों को इसको पूरा सॉल्व करना है, निम्नलिखित मान ज्ञात करना है उचित गुण धर्मों का। जैसे कि हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, मैथ्स में कोई अंतर नहीं होता, दोनों लगभग सेम होते हैं। उसी के साथ इसको शुरुआत करते हैं। आप लोगों को बोर्ड मास के नियम की प्रॉपर्टीज देखना है, वो आप लोगों से क्या कहता है, द वेरी फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, इसको ओपन करना है, मीन्स ब्रैकेट को उनको खोलना है। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो ब्रैकेट है वहां कहीं ब्रैकेट दिए नहीं गए हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग इस प्रकार की फॉर्मेलिटीज करने के लिए सबसे पहले ये जो भी दिया गया है तो आप लोगों को कहीं भी वो ये ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट आप लोगों को नहीं लगाना है। ये कौन सी क्लास का चल रहा है? आपको 8 क्लास का, तो आप लोगों को लिख देना है। एक बार मैं लिख देता हूँ, 8 क्लास का मैच चल रहा है, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो 9th वाले आके बैठ जाए और पता चले कि हमारी क्लास का चल रहा था, पता है नहीं है, पढ़ने आ जाते हो लेकिन अपनी किताब पर घुस नहीं रहता। तो इसी के साथ हम शुरुआत आगे बढ़ाते हैं।
क्या आप लोगों से क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लीकेशन देखो आप लोगों को पहले ब्रैकेट देखना है, ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, डिवाइड, क्या यहाँ पर कहीं पर भी डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन नहीं है। तो उसके बाद आप लोग कहाँ जाओगे, मल्टीप्लीकेशन पे, मीन्स आप लोगों का गुणा का साइन कहीं है, बिल्कुल है, ये दो संख्याओं के बीच में है। आप लोगों को प्रॉपर्टीज कुछ इस प्रकार से लगानी है, किस प्रकार से, आप लोगों को जहां कहीं भी साइन दिए हो, जैसे कि डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन का साइन, जैसे मल्टीप्लीकेशन का साइन इन दोनों के बीच में दिया है, तो जो कुछ भी होगा इन दोनों संख्याओं के साथ होगा, और जो कुछ भी होगा इन दोनों संख्याओं के साथ होगा, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट ना इसमें होगा ना इसमें होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का काम होगा, लेकिन इनके बीच में इनटू है, तो इनटू को इसको इसका साथ देगा, इसका साथ देगा। इसको शुरुआत करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो गुणा में है तो ये कट सकता है, ये कट गया, इसी के साथ इसको काट सकते हैं, तो ये टू टाइम्स ये कट गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू इंटू वन आएगा यहाँ पर, तो ये टू इंटू वन मीन्स माइनस का टू अपॉन फाइव। इसी के साथ ही अगला जो आप लोगों का दिया गया है, जैसा कि जैसा आप लोग नोट कर सकते हो, 5 बाई टू माइनस 1 बाई टेन। ओके, अब आप लोगों की प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, एड, तो एड किन दो संख्याओं के बीच में होगा, जिनके बीच में एड का साइन लगा हो, इन दोनों के बीच में एड का साइन लगा हुआ है, एड करते हैं इनको, एड करने के लिए हमको क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा, 5 और 2 का एलसीएम एलसीएम लेते हैं 10 आएगा, एलसीएम भी आप लोगों को लेकर दिखाता हूँ, 2 एंड 5 टू का एलसीएम, ये सबसे पहले छोटी छोटी संख्या डिवाइड करते हैं, मीन्स 1 टाइम 5, ये करेंगे तो आप लोगों का 1 एंड 1 आएगा। ओके, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को कितना आएगा, 10, तो मीन्स आपका एलसीएम आता है 10। अब उसके बाद इसका क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद ये करते हैं कि ये जो आपका न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर का इसमें हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसमें आप लोगों का 5 से 10 में यदि डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीन्स आएगा माइनस का 4, 5 2 जा 10, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, एड प्लस का साइन दिया, प्लस का साइन लगा दीजिए, अब 2 का 10 हम डिवाइड देते हैं 5 टाइम्स जाएगा, तो मीन्स 2 से 10 में भाग देंगे 5 आएगा, 2 5 10, और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, और इसी प्रकार से आप लोगों का ये सेम एज रख देते हैं। इसको यदि शॉर्ट आउट करते हैं तो ये आप लोगों का आने वाला है 21/10। ओके, और ये आएगा माइनस का 1/10, यदि इनका एलसीएम लेते हैं तो आपका आएगा एलसीएम 10, और ये सॉल्व करते हैं तो 21 माइनस का 1 ही आएगा, ये आएगा आपका 20/10, और ये कट कर दिया, भी आपका आंसर क्या आया, 2, 2 आप लोगों का इसका राइट आंसर है। कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा, एक बार और समझाता हूँ, बोर्ड मार्क्स के नियम को फॉलो करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट कहीं है नहीं तो आप लोगों को डिवाइड पर फोकस करना है, डिवाइड नहीं है नहीं तो आप लोग चलोगे मल्टीप्लिकेशन पर, उस पर फोकस करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ये गुणा का चिन्ह मिल गया, उसको सॉल्व करते हैं तो ये काट दिया, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स ये कट गया, उस पर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बनता है 2 एंड अपॉन 5, 5 बाई 2 ये आपका रहा है, और 1 बाई 10 ये आपका रहा है। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो आपको अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्लस करना है, तो प्लस का साइन इन दोनों के बीच में, तो प्लस करते हैं, तो ये प्लस किस प्रकार से होगा, इनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम मैंने आपको लेकर बताया कितना आएगा 10, एलसीएम 10 लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसका इसमें डिवाइड लेते हैं, जो कुछ कहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मीन 5 × 2 = 10 और 2 × 4। ओके, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, और ये आप लोगों का आ चुका है, देन आपको माइनस करना है, एलसीएम आप लोगों का दोनों एक ही जैसा है, ऊपर हम सीधा सॉर्ट आउट कर देते हैं, 21 - 1 मीन्स अपॉन 10, और ये आगे 20/10 मीन्स आप लोगों का 2 आप लोगों का राइट आंसर होगा। आइए इसी के साथ ही आप लोगों को अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड मार्क्स के नियम को थ्रू एक बार मैं और लिख देता हूं आप लोगों से क्या कहता है बोर्ड मार्क्स के नियम, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई और एड और सबट्रैक्शन, ये रहा आप लोगों का, तो इसको सॉल्व करते हैं इसी के हिसाब से, तो आप लोगों का ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये रहा 2/5। अब आप लोगों को देख रहा होगा 2/5 ये रहा, 2/5 ये रहा, तो इसको यदि हम कॉमन लेते हैं इस प्रकार से हमें एकदम सॉल्व मिल जाएगा, तो मीन्स ये 3/7 ये रहा आप लोगों का 3/7, और इसको थोड़ा आगे लेते हैं, मीन्स प्लस करके लिख देते हैं इस वाले, ये वाला जो है पूरा इसको हम थोड़ा इससे पहले लेते हैं, तो इसको रखेंगे 1/14 और इंटू 2/5, और इसको रखते हैं ये आएगा आपका -1/6 इंटू 3/2। ओके, और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा 2/5 आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं, मीन्स 2/5 को हमने कॉमन ले लिया। अब ये रहा आप लोग का 3/7 एंड प्लस में आएगा आपको 1/14। ओके, इसको आप लोग लेते हो, ये आप लोग का नॉर्मली ये रहा, तो इसको आप कट कर सकते हो, 2 आएगा मीन 1/4 ये आप लोगों का यहाँ आने वाला है। ओके, अब इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो 2/5 ये रहा आप लोगों के सामने, इसका यदि होगा तो किस प्रकार से होगा, ये 14 7 का 2 में हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, तो इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं 14 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा 7 × 14 2 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 एंड आप लोगों का आएगा प्लस का 1। ओके, और इसको करते हैं तो ये आएगा 1/4। ओके,
अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आप लोगों का 2/5। इस प्रकार से इसको थोड़ा आगे लेकर के चलता हूं, इधर इधर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये रहा आप लोगों के सामने। तो इसको ये दिया गया है 2/5, मीन 2/5 रहा आप लोगों का ये। और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5/40 आएगा, माइनस का 5/14, ओके। और इसी के साथ ही आपका आएगा माइनस का 1/4। यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसको आगे से शुरू करते हैं तो हम लोगों ने ये देखा, यहाँ पर आप लोगों क्या माइनस का 5/40 ये क्या ब्रैकेट है। तो आप लोगों को देखना होगा क्या इस प्रकार से हम इसको करते हैं तो ये आप लोगों का 2/5, ये आप लोगों क्या ब्रैकेट बनी, इसी मल्टीप्लाई है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आप लोगों का रहा यहाँ पर, तो इस 2/5 एंड इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका कट जाएगा 7 टाइम जाएगा, और ये भी आप लोगों का कट जाएगा 1/7 आप लोगों का होना चाहिए यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 1/7 ही होगा, ये रहा आप लोगों के सामने, ये कट जाएगा तो 7 आ गया, ये 5/5 कट जाएगा, मीन जिसको मैं एक ही बार करके देता हूँ जिससे आपको दोबारा परेशानी ना है, माइनस का 1/7 और ये रहा माइनस का 1/4। इसका एलसीएम लेते हैं तो 28 आएगा, कितना आएगा 28, और इसको करते हैं तो इतना 4 टाइम जाएगा, मीन माइनस का 4 एंड इधर जाएगा आपका माइनस का 7, और इसको एलसीएम करते हैं तो माइनस का 11/28 आप लोगों का राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका, माइनस का 11/28। इसी के साथ मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन की ओर ले जाना चाहूंगा। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन है आप लोगों को, आप लोगों को अपनी बुक अपने सामने निकाल करके ही रखना है, जिससे आप लोगों को परेशानी हो तो आप लोग मेरे से हाल ही पूछ सको, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये चल रहा है, ओके। तो अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से दिया गया है, क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतलोम ज्ञात करना है। तो योज्य प्रतलोम क्या होता है बताइएगा दोस्तों। योज्य प्रतलोम आप लोगों ने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि योज्य प्रतलोम ज्ञात कीजिए, गुणन प्रतलोम का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो आप लोगों को बताना है कि एडिटिव इनवर्स आप लोगों का इनमें क्या होने वाला है, तो ये क्या होने वाला है आप लोगों का, जैसे कि इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और जो कोई भी परेशानी हो संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है, इसको आसानी से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पोस्ट करके आसानी से समझ लीजिएगा, ओके। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, इसमें एडिटिव इनवर्स आप लोगों को निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स आप लोगों का क्या होने वाला है, पहला जो क्वेश्चन आप दूसरे में पहला जो दिया गया है वो दिया गया है आप लोगों का -2/8 आप लोगों का दिया गया है। तो मैं पहले समझाना चाहूंगा एडिटिव इनवर्स मीन योज्य प्रतलोम क्या होता है। किसी भी संख्या में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कोई भी संख्या जैसे दी गई उसमें क्या जोड़ा जाए, हम लोगों को जीरो प्राप्त होना चाहिए, क्या प्राप्त होना चाहिए, जीरो। अब जैसे कि आपने बताया 5 दिया गया है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, जीरो प्राप्त हो जाए, माइनस का 5 ही जोड़ दें, कहने को जोड़ना है यहाँ पर, भले ही आप प्लस का साइन लगा दो लेकिन एक्चुअलिटी में तो प्लस माइनस आपने सुना होगा माइनस ही होता है ना, इसीलिए हमें क्या जोड़ना ही कहना होता है, ओके। क्योंकि योज जैसे नाम से पड़ेगा, योग 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 की बात कर रहा है, तो हमें योज ही एडिटिव इनवर्स ही लिखना पड़ेगा। अब जैसा कि पहला जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है 2/8, तो सेम संख्या जो दी गई, सेम संख्या चिन्ह परिवर्तित करके जोड़ देते हैं 2/8, भले इस प्रकार से देखिए, तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो आप लोगों का राइट आंसर होगा ये माइनस का 2/8, मीन्स ये क्वेश्चन आप लोगों का रहा, और इसका एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतलोम की बात करें तो क्या होगा, माइनस का 2/8 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार आप लोगों का अगला दिया गया है माइनस का 5/9, तो इसका क्या होगा 5/9, क्योंकि इसका चिन्ह परिवर्तित करके सेम संख्या जोड़ देनी है, ओके। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारे सवाल आप आसानी से कर सकते हो। अगले सवाल की ओर मैं लेकर के चलता हूँ, अगले सवाल में आप लोग क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है क्या कि दिया गया है x=11/15। आप लोगों को अपनी बुक निकाल के रख लेना है, मैं आप लोगों को फिर से दिखाना चाहूंगा, कोई भी स्पेशल नहीं रखा है कुछ भी, सिर्फ आप लोगों की बुक ही आप लोगों के सामने निकाल कर हमने रखी है। तो क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, आप लोगों से वेरीफाई करना है, हमें क्या करना है कि माइनस का जो एक्स दिया रहता है माइनस, और ये बराबर किस होता है एक्स का, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा नॉर्मली कि माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, तो x=x वैसे तो वेरीफाई हो चुका है, लेकिन उन्होंने कुछ नंबर दे रखे हैं तो उनके माध्यम से हम लोगों को वेरीफाई करना है, तो इसको वेरीफाई किए देते हैं। इसमें आप लोगों से कहता क्या है कि क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों को दो प्रकार के नंबर दिए गए हैं, ये आप लोगों को दिया गया है क्या कि क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन है x=11/15, कितना दिया गया x का मान दिया गया 11/15 एंड आप लोगों को दूसरा दिया गया x का मान माइनस का 13/ कितना 13/ ये 17 दिया गया, थोड़ा मेरा बुक में प्रॉब्लम है, आप लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इसको जिस प्रकार से हम सॉल्व आउट करते हैं, यदि इसको हल करने की यदि बात करते हैं तो 11/15 नॉर्मली ये दिया गया है, पहला आप लोगों से क्या कहता है ये माइनस का 11/15 इसको
इसको रखना है, x की जगह आप लोगों को इसको पुट करना है, 11 अपॉन 15 को x की जगह आप लोगों को पुट करना है, तो इसका आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करें x की, तो x के यदि युज्य प्रतिलोम क्या होगा, अभी भी मैंने बताया कि युज्य प्रतिलोम क्या होता है, जैसे x दिया है तो इसका प्रतिलोम माइनस का x होगा, होगा तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये रहा x, x का मान इतना है, युज्य प्रतिलोम इस माइनस x का मान इतना होगा, माइनस का 11 अपॉन 15 होगा, इसमें आप लोगों की परेशानी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम इसको करते हैं तो इसका मान यदि इसमें रखिएगा तो ये रहा आप लोगों का, तो x का भी मान आ गया आपके पास और माइनस का x का भी आ गया, तो ये रहा माइनस और ये रहा आप लोगों का माइनस का x का मान कितना है, माइनस का 11/15 ओके, और ये रहा आप लोगों का x, x का मान कितना है 11/15। अब यदि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, मींस 11/15 इक्वल टू आने वाला है आप लोगों का 11/15, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आसानी से, चीजों को समझिए, कोई भी परेशानी हो तो संडे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए फिर से बोलूंगा, बिल्कुल हाजिर है जवाब। इसी के साथ आप लोगों का अगला जो दिया गया है, इसमें दो नंबर दिए गए, x इक्वल टू माइनस का 13/17 दिया गया, x इक्वल टू माइनस का 13/17, तो सेम इसी का हो जाएगा, माइनस का एक्स क्या होगा, इसका प्रथम होगा 13/17, सेम इसी प्रकार से इसको भी सोल्व करना है, तो ये आपका एक्स हो गया, एक्स का भी वैल्यू पता है, माइनस का एक्स का भी पता है, माइनस का एक्स का क्या होगा, माइनस का सॉरी से बोलूंगा 13/17 कितना है, माइनस का 13/17 एक्स का वैल्यू आपका माइनस का 13/17, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 13/17 रहेगा और ये भी आपका माइनस का 13/17 रहेगा, तो ये आप लोगों का बराबर आ रहा है, वेरीफाई होता है, सत्यापित किया जाता है। इसी के साथ आप लोगों को अगला भी क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, दोस्तों कोई भी परेशानी हो सीधा संपर्क कीजिए, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें उपलब्ध हैं। इसी के साथ आप लोगों को अगले क्वेश्चन की ओर चलना है, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, दिया गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका गुणन प्रतिलोम आप लोगों को, गुणात्मक प्रतिलोम जो है आप लोगों को ज्ञात करना है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्या दिया गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आपका मल्टीप्लिकेटिव शॉर्ट में लिख देते हैं एमआई का फॉर्म, एमआई से आप लोगों को ध्यान रहेगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोगों क्या होने वाला है, वो रहेगा आप लोगों का जब हम किसी भी संख्या जैसे 5 दिया गया हो, इसमें किस संख्या का गुणा करें, किसका आपको मल्टीप्लाई करना है कि आप लोगों को एक प्राप्त होना चाहिए, आप जो कुछ भी दिया है सेम उसी का हमें उल्टा कर देना है, मीन्स ये आपका 5 दिया गया है, 5 को यदि 1 करते हैं तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/5 आएगा, मीन्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा आप लोगों का 1/5। इसी के साथ आप लोगों को एक्सरसाइज को लेकर भी चलता हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है इसमें माइनस का 13, तो पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को माइनस का 13, तो इसका यदि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो क्या होगा, इसका 1/1 लेना है, जस्ट उल्टा कर देना है, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/13 विद माइनस, इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आप लोग बना आंसर प्राप्त हो रहा है बिल्कुल, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ये होगा आंसर, वो होता है युज्य प्रतिलोम भी मैंने आपको बताया था, एडिटिव इनवर्स, इसी के साथ ही आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बता दिया, तो इसमें क्या है हमें वही शर्त ध्यान रखना है, जो नंबर का गुणा करते हैं उसको जोड़ते हैं वही आप लोगों का आंसर होता है, ना कि ए। यदि आप गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो इसका गुणा किया ना, इसका गुणा किया तो यही आप लोगों का आंसर है, वो पूछा जाता है कि किसका गुणा करना है, तो इसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही आप लोगों को आगे जो क्वेश्चन दिए गए तो सेम आप लोग कंडीशन समझ में आ गई, कंडीशन को ही फॉलो करना है और आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हो। अब एक बात मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगा अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों से, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आप लोगों से निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का जो है हमको नाम बताना है, तो उस गुणधर्म का नाम क्या है, तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, दो आपको बताए मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स मैंने अभी आपको बताया है, इसी के साथ मैं आपको आगे बढ़ाने वाला हूं कि ये आप लोगों से मांगते क्या है, कहते क्या है। तो पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्या है आप लोगों को मैं ले जाना चाहूंगा, माइनस क्वेश्चन जो आप लोगों से कहता है, क्या दिया गया क्वेश्चन आप लोगों का है, आप लोगों की सिर्फ बुक से ही दिया जा रहा है और आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, माइनस का 4/5 और इसका इंटू 1 करके दिया गया है और ये दिया गया 1 और इंटू माइनस का 4/5 और अगला दिया गया है माइनस का 4/5। अब इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि क्या इसमें मतलब कौन सी क्रियाएं लग रही हैं, या बात करते हैं आपके इंग्लिश में तो कह रहा है प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज ईच ऑफ फॉलोइंग, उनके नाम बताना है कि आप लोगों से कह कर रहा है क्या क्या यूज कर रहा है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से मैंने यूज किया है यहां पर ए,
अब एक यहाँ पर दिया है 4/5 यहाँ पर है, 4/5 यहाँ पर है, माइनस का 4/5 तीनों दिख रहा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसमें आप लोगों क्या एक का गुणात्मक दशमलव यूज हो रहा है दोस्तों, क्या यूज हो रहा है एक का गुणात्मक दशमलव, ये आप लोगों के नॉर्मल क्वेश्चन है। वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें आप लोगों की यूज हो रही है, इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है आप लोगों के, इसमें क्या है कोई सॉल्यूशन करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी के साथ अगला जो आप लोगों का दिया गया क्या माइनस का 13/17 आप लोगों का दिया गया है और मल्टीप्लाई करके माइनस का 2/7 एंड आप लोगों का दिया गया माइनस का 2/7 और मल्टीप्लिकेटिव करके माइनस का 13/17 दिया गया है। तो इसमें जो आप लोगों का यूज होने वाला है, आप लोगों ने नाम सुना होगा सहचार नियम, सहचार नियम आप लोग क्या कहता है, सहचार नियम ये फॉलो करता है कि a into b बराबर होता है b into a, बिल्कुल ही सही है, सहचार नियम यही कहता है आप लोगों से कि इन दोनों का यदि स्थान यदि पलट दें तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप लोग देख रहे हो इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ये आपको आना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं यही आप लोगों के नंबर दिलवाती है जब आप बड़े हो जाते हो, और यही सब चीजें आप लोगों के नंबर कटवाती हैं जब और भी ज्यादा बड़े हो जाते हो। ओके, तो इसी के साथ ही आप लोगों का अगला जो क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, माइनस का 19/ दिया गया है आप लोगों का 29 और इनटू दिया गया है 29/ माइनस का 19 और इस पर जो आप लोगों का दिया है 1, तो इसमें आप लोग क्या यूज हो रहा है नहीं, क्योंकि गुणनफल एक इसका नहीं है, गुणनफल यदि इसका एक होता तो हम इसका कुछ करते, लेकिन इसका जो नॉर्मली दिया गया है इसमें गुणात्मक प्रतिलोम का हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं गुणात्मक प्रतिलोम का, गुणात्मक प्रतिलोम मैंने आपको बताया था क्या कि सेम जो दिया गया है उसका जस्ट उल्टा ये दिया गया है, कोई दिक्कत है कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। तो इसमें आपको गुणात्मक प्रतिलोम मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का यूज किया है, तो इसमें आप लोगों को कौन सी आइडेंटिटी होगी गुणात्मक प्रतिलोम, ये सब कुछ आइडेंटिटी तो आप लोगों से पूछिए गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम यही तो आप लोगों से पूछा गया है, प्रत्येक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ऐसा मैं मानता हूं, और फिर भी कोई परेशानी हो तो आप लोग संडे कमेंट बॉक्स के लिए ऑफलाइन में कमेंट कर सकते हो। ओके, अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन है आप लोगों का 6/13 को और आपका दिया गया है -7/16 को व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, तो जो दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों से फिर से एक बार बताता हूं क्या कहता है आप लोगों से, मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ 7/16 मीन 6/30 जो दिया गया है 6/30 को गुणा करना है, किससे गुणा करना है 7/16 जो दिया गया है इसके व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम दोस्तों क्या होता है जो कोई भी संख्या दी गई है तो उसका उल्टा उसका व्युत्क्रम होता है, जिसका उल्टा क्या होगा माइनस जो आपका दिया गया है तो यह होगा आपका 16/7 ये होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, अब आपको समझ में आ चुका होगा ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग का ये आसानी से आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ही आप लोगों को अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर से बोल रहा हूँ एक बार फिर से पूछिएगा कोई भी परेशानी हो तो। ओके, अगला जो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, टेल व्हाट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट, इस प्रकार से दिया गया है बताइएगा कौन सा गुणधर्म जो इसकी सहायता से आप लोग इसको अभिकलन या सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन दिया गया है इसको हम नॉर्मली पहले तो लिख लेते हैं 1/3 और मल्टीप्लाई करके दिया गया 6/4/3 दिया गया है और इसके साथ ही 1/3 और ये 6 आपको दिया गया है और इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 4/3। अभी अभी मैंने आपको बताया था सहचर का नियम, आप लोगों ने अभी अभी देखा था सहचर नियम, सहचर नियम में मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं नॉर्मली, देखो सहचर नियम में क्या है a into b यदि आप करते हो, a into b यदि आप करते हो तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, लेकिन a into b और b into a में कोई परेशानी होती है क्योंकि क्रमबन्धमय और सहचर का नियम थोड़ा थोड़ा अंतर देता है। अभी क्या क्रमबन्धमय का नियम आपको क्या कहता है a into b बराबर होता है b into a और सहचर का नियम आपको क्या कहता है a, और इसका a into b यदि आप कर रहे हो ये इस प्रकार से, और यदि इसको ये मान लिया इसको सी मान लिया तीन है इसमें, और यदि ये मान लिया आपने बी है और ये ए इंटू बी और इसका मल्टीप्लाई यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आप लोग पूछा गया किसकी सहायता इसको सॉल्व करोगे, तो अभी मैंने आपको किस नियम का बताया था, इससे पहले सहचरता बताया था, कौन से वाला क्वेश्चन में आप लोगों को लेकर चलता हूँ सहचरता का नियम, ये पांचवें क्वेश्चन में जो दूसरा वाला था इसमें हमने क्रमबन्धमयता का नियम प्रयोग किया था, और सातवें वाले में जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है सहचरता का नियम है, किसका सहचर का नियम, तो ये आपको एक बार ये है क्रमबन्धमय नियम क्रम विनिमय, ये क्या है क्रम विनिमय और ये सहचर,
सहचरण नियम ये आप लोगों का है, इसमें आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं कम्यूटेटिविटी, इस प्रकार से इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसकी सहचरण की यदि हम बात करें तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल आप लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश करते हैं फिर भी, लेकिन यदि हमसे कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बता देना, जिससे हम उसमें थोड़ा सा आप लोगों के लिए सुधार कर सके। और अच्छे से अच्छा वीडियो देने का कोशिश हम लोग करते हैं, फिर भी आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, नो प्रॉब्लम। इसी के साथ ही आप लोग अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है आप लोगों से, क्या ये इस प्रकार से दिया गया है, इज क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही क्या है कि कह सकते हैं बहुत ही अजीब टाइप के है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, क्या आप लोगों को बुक को नहीं उठा लेता हूँ, बार बार पीछे देखता हूँ, इससे अच्छा है का गुणात्मक प्रतलोम 8/9 है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मीन ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं, तो आप लोगों बताना है यस और नो। तो ये इसका यदि मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 8 = 1 आएगा, तो आपका 9/8 तो आ जाएगा, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, हाँ और ना, तो मैं कहना चाहूंगा ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव यदि इनवर्स करता है तो एक आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करने पर एक तो आएगा लेकिन वो माइनस का आएगा, देयरफॉर ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। यदि ये 1 आता तो बिल्कुल होता, लेकिन ये 1 नहीं आया, माइनस का 1 आ रहा है ना, यदि हम इनका गुणा करें तो आपसे क्या क्या रहा है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम है क्या, गुणात्मक प्रतिलोम होता तो ये कहना था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसका माइनस का 1 आ रहा है। ओके, ये आप लोगों का क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था आप लोगों का 8। आगे का जो आप लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, और इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्या 3 इस प्रकार से दिया गया है, 3 and 1/3 इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको हम लिखते हैं क्या 3 1/3 का प्रतिलोम 0.3 है अथवा है या नहीं है, क्यों नहीं है, इस प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना होता है, नॉर्मली जो आप लोगों से पूछ रहा है कि यह परिमेय संख्या है या रीजन क्या है या ये इनवर्स है कि नहीं है, आप लोगों से सीधा सीधा पूछ रहा है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसका एडिंग करते हैं 3 × 3 = 9 और ये आएगा 10/3 और ये आएगा आप लोगों का यदि इसका हम कर भी दे तो ये आएगा 3/10। क्या आप लोगों का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सेम कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं है, परिमेय संख्या की यदि हम बात करें इनमें सेम संख्या तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों का 8 वाला क्वेश्चन दिया गया, तो इसमें आप लोगों को क्योंकि इनका गुणनफल यदि हम करके देखते हैं तो इसमें तो हमें प्राप्त होता है 1, लेकिन यदि इनको हम पूरा का पूरा काट के देखते हैं, इनका टोटल गुणा कीजिए तो ये इसका 1 आ रहा है, मीन्स ये वाला जो है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम इसका ये है, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके, अगला जो आप लोगों का दिया गया क्वेश्चन किस प्रकार से लिखिएगा, परिमेय संख्या कोई व्युत्क्रम है नहीं या नहीं, ये इस प्रकार की आप लोगों को जो है आइडेंटिटी दी गई, इसको आप नॉर्मली फिलअप कर सकते हो। इसी के साथ ही हम एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं दोस्तों, इसके साथ आप लोगों को कोई भी परेशानी आती है 1.1 में तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इसी के साथ मैं आप लोगों को रेगुलर आप लोगों को ये क्लास उपलब्ध करवाऊंगा, कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे सीधा कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने भाइयों फ्रेंड्स जो भी आप लोगों के साथ क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर कीजिएगा और बताइएगा। पूरा एकेडमी आप लोगों को पूरा एकेडमिक कोर्स आप लोगों को इस चैनल पर अवेलेबल होने वाला है, मीन्स मैथ भी उपलब्ध होगा, साइंस भी होगा, सोशल साइंस भी होगा, सभी क्लास को उपलब्ध होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद दोस्तों। हाँ खुशी, हाँ नहीं आना है।